तो दोस्तों आज मैं हूँ हरियाणा में एंड बहुत ही डिफरेंट जगह लेके आए हैं। पहले एक बार इनका सेटअप देखिए, पूरा देसी स्टाइल सेटअप है। हम गांव में हैं, मुलाना गांव का नाम है। एंड चलिए एक बार इनसे बात करते हैं। हाँ जी, राम राम जी बेटा, क्या हाल चाल है? बढ़िया। कितने साल के हो? 13। एंड नेम क्या आपका? निशान। निशान, यहीं से लोकल ही हो आप? यस। तो ये बताइए, सबसे पहले स्कूल जाते हो? यस। ठीक है, छुट्टियाँ दिवाली की? ठीक है जी। और निशान, निशान था आपका नेम? तो बताइए हमने क्या क्या रखा हुआ है? सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास दिए हैं। दिए हैं, तो ये बड़े ही डिफरेंट तरह के दिए हैं गाइस, ये देखिए। और इसकी निशान क्या कॉस्टिंग पड़ेगी बेटा? 10 रुपये। केवल 10 रुपये? ठीक है। इसके अलावा और भी डिफरेंट तरह के दिए हैं इनके पास गाइस। ये मेरे को बहुत पसंद आया, ये देखिए पूरा पाँव का। और इसकी भी कॉस्टिंग 10 रुपये है। ठीक है जी। और क्या रखा हुआ है हमने? माता जी का आसन है। माता जी का आसन, ठीक है। ये बिछाने के लिए? यस। ठीक है। इसकी कॉस्टिंग? 90 रुपये। 90 रुपये केवल, ठीक है। और ये क्या चीज़ है? ये मैं जरूर, तो ये क्या मतलब, इसका क्या पर्पस होता है? तुलसी में रखने के लिए है। तो तुलसी जो सा प्लांट होता है उसके अंदर? ठीक है, ठीक है। तो उससे क्या होता है? शुभ रहता है। ओके, ये तब करके उसमें रखते हैं। ठीक है, ये पहली बार मुझे नहीं मालूम था, तो मेरे को भी कुछ सीखने को मिल गया। सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज़ क्या है यार? इसमें काफी इंटरेस्टेड हूँ मैं। ये क्या है? पहले तो ये मोर के पंख है आई थिंक। हाँ। तो इसका क्या पर्पस होता है? ये मोर के पंख वहाँ पे रखते हैं मंदिर में, मंदिर में छिपली के बचने के लिए, छिपली के बचने के लिए, वैसे शुभ रहता है मंदिर में रखा हुआ। अच्छा, ये इनका पर्पस यही है गाइस कि मंदिर में ये रखते हैं, ये के शुभ माना जाता है। ठीक है। और क्या रखा है निशान हमने इसके अलावा, कोई डिफरेंट आइटम? शुभ लाभ। ओके, और इसकी क्या कॉस्टिंग पड़ती है? 120 रुपये केवल। ठीक है जी। वाह, ब्यूटीफुल, बहुत अच्छी है ये। इसकी क्या कॉस्टिंग है? इसकी 180 जोड़ा 150। ठीक है जी। एंड चलो मैं एक बार गाइस आपको दिखा देता हूँ, उस तरफ भी काफी सामान है इन्होंने रखा हुआ। तो यहाँ पे भी बताइए निशान क्या क्या रखा हुआ है हमने? ये माता जी के चरण है। ओ वाह, और इसका कितना रेट है जी? 60 रुपये का है। ठीक है। और ये कछुआ है। ये देखो गाइस कितना ब्यूटीफुल कछुआ, कितने का? 60 रुपये। 60। ठीक है। तो काफ़ी डिफरेंट तरह की आइटम्स संदूर है। ये पित्तल की प्लेट भी है। पित्तल की प्लेट भी है। एंड इसकी क्या कॉस्टिंग है बेटा? इसकी 60 रुपये, सबको 60 ही है इधर। ठीक है। ये दिखाइए, ये बड़ा अच्छा लग रहा है। मेटल का है। ये मेटल के हैं। ठीक है जी। ये इसकी क्या कॉस्टिंग पड़ेगी भाई? 300 रुपये दोनों के या एक के? दोनों के। अच्छा, 300 का पेयर है गाइस, तो काफ़ी सस्ता है, काफ़ी रीजनेबल प्राइस है। ठीक है, ये तो हो गया यहाँ पे ये सारी चीज़ें। ये प्योर पित्तल की है। ये प्योर पित्तल की है, कितने की पड़ेगी? 70 की है। ठीक है। 60 से स्टार्ट है। ठीक है। तो गाइस बहुत ही डिफरेंट तरह की इन्होंने आइटम्स रखी हैं, तो मैं भी काफ़ी नई चीज़ें आज मेरे को सीखने को मिली हैं, जो कि मैंने भी पहली बार ही देखी लाइफ में, तो इस तरह से। एंड ब्रो बेटा, सबसे पहले आपको थैंक यू कि आपने ये वीडियो की हमारे साथ, क्योंकि मुझे लग नहीं रहा था आप इतना मेरे को समझा पाओगे। एक बार स्माइल दो पहले। ठीक है, थैंक यू, आपने हमें टाइम दिया, थैंक यू जी। एंड एक बार लोकेशन समझा दो अपनी, सॉरी मुलाना, तो देवी मंदिर के बिल्कुल साथ। ठीक है, उधर बिल्कुल मेन रोड पे इनका लगा हुआ है टेंट गाइस, काफ़ी बड़ा, एक बार दिखा देता हूँ आपसे, ये मिस नहीं होगा, बिल्कुल मेन रोड पे लगा हुआ है। ठीक है निशान, थैंक यू जी, आपने हमें टाइम दिया।